गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो है टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है, मिंत्रा का ये शॉपिंग हॉल वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इस जो डेनिम को मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, इसको क्या है कि मैं इसकी अलग से वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो इसकी मैं अलग से आपको दिखा रही हूँ। क्लिप पहले ही मैंने लगा दी है। और एक डिस्क्लेमर करना चाहूँगी कि जो वीडियो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ उसका मैं जो कपड़े मैंने वॉश करके देख लिए तो उसका आफ्टर एक्सपीरियंस भी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज 4 to 5 months बैक जब मैंने ये कपड़े और ये सारे क्लोथिंग वगैरह परचेज की थी मिंत्रा से, तो तब उसके बाद लॉकडाउन हो गया था रिसेंटली, जब तक मेरे पास डिलीवर हुए ऑर्डर्स और मैं पहन के आफ्टर वॉश एक्सपीरियंस शेयर करती तब तक हमारा लॉकडाउन शुरू हो चुका था। तो उस टाइम पे कोई भी मतलब नहीं बनता था आप लोग से शेयर करने का, बिकॉज मैं लिंक्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाती। अभी मिंत्रा ने अपनी डिलीवरी ओपन कर दी है, तो ऑल ओवर इंडिया में वो अपनी डिलीवरीज वगैरह कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने क्लोथ्स की, एवरी प्रोडक्ट की, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। और ये जो डेनिम है यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो ट्राई ऑन हॉल है वो तो शूट कर लिया था मैंने, बट वीडियो इसकी अलग से शूट करना भूल गई थी। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड ड्रेस बेरी और आपको प्राइस हो रहा है मेंशन स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? टाइटल से ऑलरेडी क्लियर है ये एक मिंत्रा शॉपिंग हॉल वीडियो है और ये ट्राई ऑन हॉल वीडियो होने वाली है। बिकॉज मैंने कुछ कुर्तीज जो मैंने मिंत्रा की आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने परचेज की है, और ये वीडियो आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। कुछ ऐसी इसमें जो कुर्तीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनको मैंने ट्राई कर लिया है, पहन लिया है, आफ्टर वॉश एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। इट्स लुकिंग फनी, बट मैंने इन जो मैं कुर्तीज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, एज आई सेड कि मैंने इनको पहले परचेज किया था, इनको मैंने परचेज किया था आई गेस जब विंटर सेल स्टार्ट हुई थी। येस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब विंटर सेल स्टार्ट हुई थी तब मैंने इन चार कुर्तीज को, एक ड्रेस है इसमें, तीन कुर्ती और एक ड्रेस को परचेज किया था। इनको मैंने ट्राई कर लिया है, वॉश कर लिया है, वन बाय वन मैं आपको ट्राई करके दिखाने वाली हूँ। सबके प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे, एंड पिक्चर तो आपको यहाँ पे देख ही रही होगी। एंड बात करूँ सबसे पहले इस कुर्ते की, तो बहुत ही प्यारा कलर है इसका, समरी सा कलर है, कोरल कलर इसको बोल सकते हैं। यू कैन सी ये ऐसे गोल बंद इसका नेक है, एंड ऐसे इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, ये कोई वर्क नहीं है, ये इसके ऊपर प्रिंट है, फ्लावर का प्रिंट किया हुआ है। वैसे तो पिक्चर में आपको देख ही रहा है और मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगी। और ये आई थिंक ये रबड़ पेंट काइंड ऑफ पेंट है ये, और मैं आपको बताऊं इसको मैंने आई थिंक 2 से 3 बार मैंने डाला है, उसके बाद लाइक पहना हुआ है, उसके बाद मैंने इसको वॉश भी किया है, और इसका यू कैन सी बिल्कुल भी कोई कलर फेड आउट नहीं हुआ है, और कोई भी इसका जो प्रिंट है वो भी नहीं निकला है, बहुत सही वाला कलर है। मुझे ये पर्सनली मैंने ऐसा शेड आई थिंक ये कैरेट एंड रेडिश ये बीच का शेड है ना, कोरल सा, मुझे बहुत सही लगा, और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ, ऐसी बेल स्लीव है, यू कैन सी डबल बेल स्लीव है, एक एंड दो, मतलब डबल बेल स्लीव मिली हुई है, काफ़ी स्टाइलिश सी है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो बहुत सही लगेगा, रूटीन में भी पहन सकते हैं। और इसे मैं डेनिम्स के साथ वेयर करती हूँ, आप अपनी लेगिंग प्लाजोस जैसे भी इसको वेयर कर सकते हैं। सो time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. नेक्स्ट ये वाली कुर्ती दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही सही, बहुत ही यूनिक सी ये डिजाइन मुझे लगा, बिकॉज ये केप स्टाइल, अगर इफ आई एम नॉट रोंग तो ये केप स्टाइल कुर्ती है, और इसका यू कैन सी बाकी पूरी प्लेन है, नेवी ब्लू में फुल लेंथ कुर्ती है ये, और एज अ ड्रेस भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और इसमें भी मैंने एक्सेल लिया है, दिस इज फ्रॉम अक्स
ब्रांड एंड बैक साइड पे भी आपको ऐसे ही ये मिल जाती है। अगेन दिस इज कॉटन रिच मटेरियल। इसे भी मैंने एक बार वॉश करके यूज करके देख लिया है और इसका कोई भी कलर वगैरह नहीं निकला है, बिकॉज कई बार डार्क जो नेवी ब्लू कलर होता है वो लीक हो जाता है, निकल जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. This is my next कुर्ती। आपको आई नो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, दिस इज माई नेक्स्ट कुर्ती। एंड ये ऐसे कॉलर में है, आपको इसका जो नेक मिल जाता है ऐसे कॉलर में मिल जाता है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स, यू कैन सी वुड के वुडन थोड़ी डिजाइनिंग है इसकी बटन की, और ये ओपन हो जाते हैं। सो दिस इज अ शर्ट ड्रेस बेसिकली। अगर आप इसको एज अ कुर्ती लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली ऐसे ही इसको सिंगल एज अ ड्रेस भी, शर्ट ड्रेस भी डाल के इसको वेयर कर सकते हो। ऐसे इसकी नीज है, यू कैन सी, सॉरी इसकी आर्म्स, यू कैन टू माय शैडो टू द सन रेज एंड ऑन वी गो टू द वेस्टलैंड्स थ्रू द हाईवेज एंड the least मैं बात करूंगी इस ड्रेस के बारे में। दिस इज यू कैन सी ब्लैक ड्रेस है ऐसी, एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड रेयर एक्सेल। इसमें मैंने अपना साइज लिया है, एंड यू कैन सी दिस इज नॉट अ कॉटन रिच मटेरियल। हाँ, बट ये काफी ज्यादा लाइक ओकेजनली आप पहन सकते हो, आउटिंग पे पहन सकते हो, मूवी डेट के ऊपर आप पहन सकते हो, और इसके बीच पे भी एक लाइक्रा काइंड ऑफ स्टफ लगा हुआ है, और ये शियर नहीं है। दिस इज लाइक आपको कुछ भी नीचे पहनने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट जो आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्लीव्स इसकी काफी अच्छी हैं, यू कैन सी, एंड यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाता है, और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा फिटेड टाई अप के लिए ऐसी ऐसी मटेरियल में आप परचेज किया है फ्रॉम मिंत्रा, एंड ये मुझे कल ही आई थिंक डिलीवर हुआ है। यस, दिस इज फ्रॉम रेन एंड रेनबो, बिकॉज अभी हर जगह पे सेल लगी हुई है होली की वजह से, एंड ऑफ सीजन सेल एंड कुछ समर सेल, कुछ ऐसी सेल्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, सो दिस इज यू कैन सी, ये एक शर्ट बोल सकते हैं इसको, यू कैन सी, एंड यस इसके भी बटन्स ओपन हो जाते हैं। कलर कितना अच्छा है, टाई एंड डाई वो इसका वो वाला प्रिंट है, बट इसको मैंने अभी वॉश करके नहीं देखा, बट कॉटन रिच प्योर कॉटन मटेरियल है, काफी सॉफ्ट है, और गर्मियों में तो हमें कॉटन मटेरियल ही, और इसमें मैंने अपना लिया है साइज डबल एक्सएल। लूज लूज से कपड़े वैसे ही अच्छे लगते हैं गर्मियों में, और आपको क्वार्टर स्लीव मिल जाती है, यू कैन सी, एंड इसको टाई भी कर सकते हैं आप। सभी कुर्तीज के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है देन प्लीज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। That's it for today's video. अगर आपको ये video helpful लगी है, अच्छी लगी है, you enjoyed watching, then please don't forget to share करना मेरी video को, like करना मेरी video को, अगर पहली बार मेरे channel पे आए हैं then please do subscribe to my channel, bell button को भी जरूर से hit करना। मिलते हैं अपनी next video में।